हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट बासुंदी। बासुंदी ये सबकी फेवरेट डेजर्ट रेसिपी है और मोस्टली शादियों या त्योहारों में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है क्रीमी बासुंदी। तो सबसे पहले आपको लगेंगे 1.5 लीटर दूध, यहाँ पे मैंने 3 पैकेट्स लिए हैं अमूल के। आपको 3/4 कप शक्कर लगेगी इस तरह से, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट बासुंदी है तो भर भर के इसमें ड्राई फ्रूट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं 15 से 20, पिस्ता लिया है 15 से 20, और काजू लिया है 15 से 20। इनको मैं सेक के लेने वाली हूँ बाद में। इलायची पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे, इलायची 5 से 6 मैंने कूटी है। जायफल लिया है, जायफल पाउडर भी चलेगी, और केसर लिया है। इलायची, जायफल और केसर ना भी हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले मैं मेरे ड्राई फ्रूट्स को सेक के लूँगी। तो आलमंड्स यानी कि बादाम, काजू और पिस्ता आप 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक के लीजिए। ड्राई फ्रूट्स हम इसलिए सेक रहे हैं ताकि उसका फ्लेवर और अच्छे से निकल के आएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें 2 सेपरेट प्लेट में निकाल रही हूँ। एक कुकिंग के टाइम पर यूज़ होगा और एक गार्निशिंग के लिए, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मैं कढ़ाई में दूध लेने वाली हूँ। ये दूध की क्वांटिटी 6 से 7 लोगों के लिए काफ़ी है, बट अगर आप कम लोग हो तो 1 लीटर दूध भी चल जाएगा, तो 2.5 लीटर दूध की ज़रूरत नहीं है। अभी इस दूध को मैं मीडियम आंच पर रखने वाली हूँ और उसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और अभी जायफल ग्रेट करके लूँगी 2 to 3 pinches, मतलब 2 से 3 चुटकी। इसमें आप जायफल पाउडर भी डाल सकते हो, बट फ्रेश जायफल का मज़ा ही कुछ और है, तो इसलिए मैंने फ्रेश ही ग्रेट किया है। इसे आप 2 मिनट तक मिक्स कीजिए और ध्यान रखिए कि आपने ग्लास को मीडियम फ्लेम पे रखा हो। नेक्स्ट अब इसमें ऐड करेंगे केसर। ये मैंने केसर ऐड कर दिया है। तो केसर, इलायची पाउडर और जायफल ये आप नहीं भी डालें तो भी चलेगा, बट ये तीनों डालने से एक क्लासिक फ्लेवर आता है निकल कर, तो आप ज़रूर डालिए। ये अभी मैंने 2 मिनट के लिए मिक्स किया है। आप देख सकते हो कि बॉइल्स आना चालू हुए हैं और क्रीम भी फॉर्म हो रहा है। तो आपको क्रीम साइड से स्पेशली निकालना है और चिपकने नहीं देना है, ड्राई होने नहीं देना है। तो इसे कॉन्स्टेंटली आपको चलाते रहना है। ये कॉन्स्टेंटली आप क्रीम को स्क्रेप कीजिए साइड से और मिक्स करते रहिए। 10-15 मिनट के बाद उसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी, कुछ इस तरह से। आपको कंटिन्यूसली आपका हाथ चलाते रखना चाहिए। 15 मिनट हो चुके हैं और दूध अभी कम हो चुका है। 15 मिनट के बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे जब उसकी क्वांटिटी कम हो चुकी हो, और 5 मिनट तक शक्कर डिसॉल्व होने तक उसको चलाएंगे। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो शक्कर नीचे चिपक के जल भी सकती है, तो उसे घुमाते रहिए। ये देखिए कलर भी चेंज हो चुका है और 5 मिनट में हमारी शक्कर भी डिसॉल्व हो चुकी है, पिघल चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद 5 मिनट और चलाएंगे जब तक कि और गाढ़ा ना हो। चलाते रहिए आप इसको, कीप ऑन स्टरिंग। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी बासुंदी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो ये टोटल प्रोसेस मुझे 25 से 30 मिनट तक लगे करने के लिए। आप चाहे तो बासुंदी गर्मा गर्म भी खा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे थोड़ा ठंडा होने फ्रिज में रखिए करीबन 30 मिनट तक, तो ये और गाढ़ी हो जाती है, तो मज़ा भी बहुत आता है। तो ये रही आपकी बासुंदी रेडी है। अभी मैं गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से जो हमने रखे थे बचा कर। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, बट जैसे कि मैंने कहा मैं इसे फ्रिज में रखने वाली हूँ। ये मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, तो देखिए कैसी गाढ़ी हो गई है, बहुत क्रीमी लग रही है और टेस्ट में भी और बढ़िया अभी लगेगी।
तो देखिए और बनाइए इसे, बहुत टेस्टी है। तो देखते हैं इनको कैसी लगती है। देखिए उसकी कंसिस्टेंसी, स्माइल देखिए इनके चेहरे पर, मतलब अच्छी लगी है। तो चलिए आप लाइक करिए फटाफट से इस वीडियो को और ज़रूर बनाइए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।